निकाय के अंतिम चरण की वोटिंग संपन्न हुई। कहीं कम तो कहीं ज्यादा वोटिंग ने पार्टियों का गणित बिगाड़ दिया। प्रदेश के कई निकायों में हंगामे की स्थिति भी बनी, जहां प्रशासन को बल प्रयोग करना पड़ा। 14 जुलाई 2022 को जनपद और जिला सदस्यों के परिणामों का ऐलान किया जाएगा। उधर कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने भाजपा पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। इधर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राहुल सिंह ने कहा है कि कांग्रेस की स्थिति पहले से बेहतर है और हर निकाय में कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। मिसरौद हत्याकांड की कुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने कहा है कि ड्राइवर की हत्या की गई थी, उसे सांप ने नहीं काटा था। नगरीय निकाय के अंतिम चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद अब जीत और हार के कयास लगने शुरू हो गए हैं। निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत का दावा करने वाली राजनीतिक पार्टियों की धड़कनें तेज कर दी हैं, तो वहीं जिन निकायों में ज्यादा वोटिंग हुई है वहां कांग्रेस और भाजपा फूले नहीं समा रहे हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद के लिए वोटिंग हुई। मध्य प्रदेश के निकायों में 72% से ज्यादा मतदान हुआ, तो वहीं इनमें सबसे ज्यादा वोटिंग नीमच में 79% हुई। भोपाल जिले में 75% से ज्यादा वोटिंग हुई। देवास में बारिश के चलते लोग छाते और रेनकोट पहनकर वोटिंग करते नजर आए। मतदान के दौरान कई निकायों में हंगामे की खबरें भी आईं। मध्य प्रदेश में जनपद और जिला सदस्यों के परिणामों का ऐलान 14 और 15 जुलाई 2022 को किया जाएगा। इससे पहले पोलिंग बूथों पर ही वोटों की गिनती होने के बाद पहले ही उम्मीदवारों को परिणाम की जानकारी मिल गई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर घोषणा और सर्टिफिकेट अब तक नहीं दिया गया था। उधर पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने भाजपा पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। एक सवाल के जवाब में पटेल ने कहा कि किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए कांग्रेस जीते हुए उम्मीदवारों की पूरी मॉनिटरिंग कर रही है। कांग्रेस ने राज्य निर्वाचन आयोग से जनपद और जिला अध्यक्षों के चुनाव जल्द से जल्द कराए जाने की मांग की है। वहीं चुनाव को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा है कि निकाय चुनाव में वोटिंग अधिक होती है, लेकिन इस बार कम हुई है। भाजपा द्वारा फिर से 16 श्रृंगार किए जाने वाले दावे पर पलटवार करते हुए राहुल ने कहा कि 17 और 20 जुलाई को पता चल जाएगा कि भाजपा का कितना श्रृंगार होता है। लगातार घूम रहे, लगातार बीजेपी के नेता बैग लेके, थैला लेके जनपद सदस्यों को धरपकड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके यहाँ पैसे का प्रलोभन दे रहे हैं। ये पूरे प्रदेश में चल रहा है। हम अपने जिले की बात बताएं, सीधी में भी जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस के ज़्यादा जीते, जनपद सदस्य भी कांग्रेस के जीते हैं। सिंगरौली में 15 में से 12 कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्य जीते हैं। अब इनके पास एक ही है, धरपकड़, प्रशासनिक दबाव पर आने वाले नहीं हैं लोग। हमने जो मार किया है, जो मुझे समझ में आ रहा है कि कितना भी दबाव पर दबेंगे नहीं। वोटिंग परसेंटेज सब जगह कम नहीं हुई, चिंतित उनको भोपाल से ज्यादा था, यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज कम हुई। और साधारण तौर से नगरीय निकाय चुनाव में वोटिंग ज्यादा होती है, स्वाभाविक इस दफे कम हुई, वो चिंता का विषय है दोनों पार्टियों के लिए। लेकिन इस आखिरी चरण में जो आज हो रहा है, उसमें मुझे लगता है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा और अच्छा भी रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शराबबंदी की गेंद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पाले में डाल दी है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी को लेकर वो पीछे हटने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा तो मध्य प्रदेश में शराब की दुकान व आहतों के सामने अकेले खड़े हो जाने का अभियान 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। मिसरौद में बस ड्राइवर की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी है। पुलिस ने खुलासा करते हुए कहा कि बस ड्राइवर को सांप ने नहीं काटा था, बल्कि ड्राइवर को दोस्त ने ही मार दिया। पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी ने मृतक के बिस्तर के पास मरा हुआ कोबरा रख दिया था। जांच में यह भी सामने आया कि शराब पीने के दौरान दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ होगा, इसका बदला लेने के लिए ड्राइवर की हत्या कर दी गई। एडिशनल एसपी राजेश सिंह भदौरिया ने बताया कि चांदबाड़ी बस्ती पिपलानी निवासी नवल सिंह उर्फ भारत स्कूल बस का ड्राइवर था। 8 जुलाई की रात उसने बाग सेवनिया की शराब दुकान में 8 जुलाई की रात उसने बाग सेवनिया शराब दुकान में 3 दोस्तों के साथ शराब की पार्टी की। इसके बाद 2 दोस्त घर चले गए थे।